Hey, what's up guys? मैं निकोली हियर एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार काफी टाइम बाद वीडियो डाल रहे हैं बट अब से कंसिस्टेंट हो जाएंगे, थोड़ा बिजी था यार एग्जाम्स के चक्कर में। तो यार आज बात करने वाले हैं कि क्या हमें बहुत लोगों का फेवरेट हेडफोन जो कि है बोट रॉकर्स 550 2023 में भी परचेज करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी उसे आए काफी साल हो गए हैं, तो अब उसे दोबारा लेना चाहिए या फिर जो न्यू यूजर है अगर वो हेडफोन लेना चाहता है तो उसे लेना चाहिए क्या। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो यार वीडियो को जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और अगर कोई भी डाउट रह जाए जो कि कमेंट सेक्शन में सॉल्व ना हो पाए तो यार इंस्टा आईडी यहाँ पे मेंशन होगी, इंस्टा पे आना, वहां पे सॉल्व कर दूंगा। तो यार बिना टाइम वेस्ट करते वीडियो की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले तो यार हम उसकी प्राइसिंग के बारे में बात कर लेते हैं कि कितने का बोट रॉकर्स 550 मिल रहा है। तो यार वो अभी अवेलेबल है अमेजोन पे 2000 रुपए का, टू बी प्रिसाइज इट्स अवेलेबल फॉर 1999 रुपीज। तो यार क्या ये इस प्राइस पे वर्थ इट है? ऑब्वियसली इस पे बहुत सारी वीडियोस बन चुकी हैं, तो अगर आपको इसके रिलेटेड वीडियो देखनी है तो मैं आपके इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस कंपैरिजन मैंने उस पर आई कार्ड डाल दिया है, आप उस पे जाके देख सकते हैं। तो यार अभी जो बात करेंगे वो थोड़ा सा प्रिसाइज रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करेंगे कि क्यों लेना चाहिए एंड क्यों नहीं लेना चाहिए, और किन व्यूअर्स के लिए ये या फिर किन यूजर्स के लिए ये ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो पहले बात करते हैं इसके प्रोज के बारे में। तो इसके जो प्रोज है, तो सबसे पहला प्रो जो है इसका ऑब्वियसली उसकी साउंड। बोट रॉकर्स 550 की 2000 रुपए में बहुत ही ज्यादा पावरफुल साउंड देखने को मिल जाती है। यहाँ पे हमें डायनेमिक ड्राइवर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि 50 mm के ड्राइवर्स हैं, जो कि बहुत ही अच्छी साउंड प्रोड्यूस करते हैं। साथ में हमें फिजिकल नॉइज आइसोलेशन देखने को मिल जाता है जो इवन एनहांस कर देता है साउंड एक्सपीरियंस एंड आपका जो लिसनिंग एक्सपीरियंस होता है वो। तो साउंड का कोई कॉम्पिटिशन नहीं है इस प्राइस रेंज में, साउंड इज ऑसम। तो नेक्स्ट प्रो की अगर हम बात करें तो हमें देखने को मिलता है 20 आवर्स का म्यूजिक प्ले टाइम। तो 20 घंटे हम आराम से म्यूजिक सुन सकते हैं एट 70% वॉल्यूम। ये 70% वॉल्यूम क्यों, 100% पे क्यों नहीं, 100% पे कितने आवर्स मिलेंगे वो अभी मैं आगे जाके वीडियो में बताऊंगा, बट अभी के लिए 20 आवर्स एट 70% वॉल्यूम हमें देखने को मिल जाता है इस हेडफोन में। तो उसकी वजह से क्या है, अब जिन यूजर्स को लॉन्ग टाइम के लिए सुनना है वो सुन सकते हैं इजिली, बहुत मजा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपका। 20 आवर्स इज अलॉट, मतलब आप अगर लेके बैठे हेडफोन को तो आप आराम से सुन सकते हो, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, चार्ज भी हो जाएंगे जल्दी, ठीक है। अभी इसी से रिलेटेड एक कॉन भी है बट वो मैं बताऊंगा जब हम कॉन्स डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए बैटरी के लिए इतना ही, बैटरी के लिए थम्स अप। अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रो की तरफ। तो अगर थर्ड एडवांटेज हम बात करें बोट रॉकर्स 550 का, तो वो है इसके फंकी डिजाइन। पहले जो थे बोट रॉकर्स सिर्फ और सिर्फ दो कलर्स में आते थे, रेड एंड ब्लैक, बट अब बोट ने उसको मेनी फंकी डिजाइन में लॉन्च किया है, जिसकी वजह से इवन मोर जो कि इवन मोर ऑडियंस को वो टारगेट कर रहा है। अब क्या बोलते हैं कि गेमर्स भी ले रहे हैं, बच्चे भी ले रहे हैं, उस डिजाइन से बहुत लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। काफी ज्यादा कैची डिजाइन है, काफी इनोवेटिव डिजाइन है जो कि किसी और हेडफोन में देखने को नहीं मिलता इस प्राइस पॉइंट पे, और इसमें काफी अच्छे से बोट ने इंटीग्रेट करा है। तो जिसको फंकी डिजाइन पसंद है, जिसको अट्रैक्टिव कलर्स, वाइब्रेंट कलर्स पसंद है, वो बोट रॉकर्स 550 ले सकता है। तो इसी के साथ नेक्स्ट प्रो की तरफ मूव करते हैं। अगर अब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो आई लव द साउंड, और सबसे बढ़िया बात क्या मुझे लगी थी कि मैंने इसे जिम में यूज करा था और जिम में काफी बढ़िया साउंड देखने को मिलती है। साउंड तो क्या, इसकी जो फिट है वो भी बहुत बढ़िया है। बस एक प्रॉब्लम है जो कि मेरे ख्याल से तो यार हर हेडफोन में आएगी, मतलब स्पेसिफिकली मैं इस हेडफोन के लिए नहीं बोलूंगा, जो एक प्रॉब्लम मेरे को देखने को मिली थी वो थी थोड़ा सा जब आप जिम अच्छे से करते हो, कार्डियो करते हो, तो होता क्या आपकी स्वेट आती है, तो वहां पे क्या होता है जो उसके ईयर कप्स होते हैं ना, क्योंकि ओवर द ईयर हेडफोन्स हैं, तो स्वेट इकट्ठी हो जाती है, तो इट गेट्स कलेक्टेड देयर ओनली इन द कप। तो उसकी वजह से क्या होता है कि थोड़ा इरिटेशन होती है, थोड़ी इचिंग होती है, तो थोड़ी देर के बाद आपको ना उतार के उसको बार बार थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा एक किसी भी क्लीन क्लॉथ से, तो वो थोड़ा सा इशू रहता है। बाकी साउंड परफॉर्मेंस ऑब्वियसली बहुत अच्छी है एंड कंफर्टेबल भी रहते हैं, बट थोड़ी देर के बाद यू हैव टू रिमूव देम एंड क्लीन देम टू वाइप ऑफ द स्वेट। बाकी जिम यूजर्स अगर हेडफोन्स प्रेफर करना चाहते हैं तो वो बोट 550 प्रेफर कर सकते हैं 2000 का अगर उनका बजट है तो। यार इसी के साथ प्रोज बस इतने ही थे, अब हम बात करेंगे इसके कॉन्स के या फिर डिसएडवांटेजेस के, कि क्यों आपको ये हेडफोन 2023 में नहीं लेना चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए कॉन्स की तरफ मूव करते हैं। तो पहला कॉन जिसकी हम बात करेंगे वो है इसका जो फिजिकल नॉइज आइसोलेशन मोड है। यार बहुत लोग ना उसमें मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं कि वो ANC मोड है, मतलब एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन मोड है, बट वो एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन मोड नहीं है। एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन इज लाइक फार सुपीरियर देन द फिजिकल नॉइज आइसोलेशन। फिजिकल नॉइज आइसोलेशन इज मतलब एक छोटा, जैसे आप कह सकते हो ना बेटा कह सकते हैं, छोटा पार्ट है एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन का, और मतलब वो परफॉर्म करता है, वो एनहांस भी कर देता है ऑडियो को और बैकग्राउंड नॉइजेस को सप्रेस करता है, बट उस लेवल का क्वालिटी वो नहीं देता
तो अब यह 2000 का है मेरे ख्याल से, जो 2000 में उन्होंने ऑफर करा है उसके हिसाब से तो बहुत अच्छी चीज ऑफर करी है। बट स्टिल अगर कोई कोई पर्सन सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक के लिए या फिर एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन के लिए हेडफोन्स ढूंढ रहा है तो आई थिंक सो कि इससे बेटर हेडफोन्स अवेलेबल हो सकते हैं। तो इस डिसएडवांटेज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट डिसएडवांटेज की तरफ मूव करते हैं। सेकंड डिसएडवांटेज जो मैंने इसमें फील किया ना वो था कि इसकी जो ऑक्स आउटपुट और माइक क्वालिटी है ना दोनों ही एवरेज है, बहुत अच्छी नहीं है। वैसे तो ब्लूटूथ हेडफोन है तो कोई ऑक्स लगाएगा नहीं, बट अगर समटाइम्स क्या होता है कि यार डेड हो गए आपको ऑक्स लगानी पड़ गई तो आप फिर कैसे मतलब आपको फील होगा हल्का सा कि आपकी जो ऑक्स क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है, एंड जो माइक क्वालिटी है जब आप कॉल पे बात करेंगे तो वो भी कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं है, मुझे ओके सी लगी थी। तो मतलब इससे बेटर चीजें 2000 में इससे बढ़िया माइक क्वालिटी वाले हेडफोन्स आते हैं वो चीज लगी मुझे थोड़ी सी, तो माइक क्वालिटी और ऑक्स क्वालिटी थोड़ी बेटर हो सकती थी। तो इसी के साथ नेक्स्ट डिसएडवांटेज तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट डिसएडवांटेज इसकी हम बात करने वाले हैं वो है बैटरी का। अब यहाँ पे मैंने प्रो में भी डाली थी बैटरी, अब मैंने कॉन में क्यों डाली है, कॉन में मैंने इसलिए डाली है क्योंकि यहाँ पे हमें जब हम इसे 100 वॉल्यूम पे चलाते हैं ना वहां पे हमने डिस्कस किया था कि 20 घंटे देता है 70% वॉल्यूम पे, यहाँ पे जैसे हम इसे 100 पे पुश करते हैं तो ये सीधा 13-14 घंटे हो जाता है। अब यार 13-14 घंटे लोग बोलेंगे कि यार नहीं हमारा तो 15 चल रहा है, किसी कोई बोलेगा 16 चल रहा है। पहली बात तो डिपेंड करता है यूसेज पे, दूसरी बात ये मैं आपको बता रहा हूँ कि विद इन 1 to 2 months आप जैसे ही उसे यूज करोगे ना वो 13-14 पे आ जाएगा, इवन सम यूजर्स का 12 पे भी आ गया। तो ये चीज मुझे बुरी लगेगी, जो बोट ने प्रॉमिस किया था 20 आवर्स वो सीधा 12 पे पहुंच गया। तो इन्फिनिटी ग्लाइड 510 कितना ज्यादा दे रहा है 72 आवर्स, या फिर स्टार बॉय 3 भी जो है वो भी आपको 25 घंटे का बैटरी बैकअप देता है। तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा कि बैटरी बैकअप अगर देना था तो एटलीस्ट 100% वॉल्यूम में 20 आवर्स देते, थोड़ा सा ऐसा लगता कि चलो 100 पर अगर 20 आवर्स इन्होंने कमिट किया है तो 18-19 तो चलता, जिसको ओके लगता है वो कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे जैसे यूजर के लिए जो यूज करता है काफी ज्यादा हेडफोन उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए नेक्स्ट डिसएडवांटेज तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट डिसएडवांटेज इसकी मैं बात करूंगा वो है साउंड लीकेज। जब आप इस हेडफोन को 100% साउंड पे पुश करते हो ना तो आपको थोड़ी सी साउंड लीकेज, थोड़ी सी ज्यादा ही आपको साउंड लीकेज देखने को मिलेगी। तो उसकी वजह से क्या होता है, आप जब किसी क्वाइट एनवायरमेंट में हो, आप अपना म्यूजिक एंजॉय कर रहे हो, तो हो सकता है उस म्यूजिक की साउंड बाहर वाले लोगों को भी आराम से पहुंच जाए, तो वो मेरे को थोड़ा सा इशू लगता है क्योंकि फिर वो थोड़ा सा एम्बेरसमेंट क्रिएट करता है जब आप जो सुन रहे हो वो बाहर वालों को भी सुनाई दे रहा है, तो वो थोड़ा सा इशू मेरे को लगता है। तो साउंड लीकेज को थोड़ा रिड्यूस करना चाहिए था, साउंड लीकेज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो जो लोग 2023 में लेना चाहते हैं वो इसे कंसिडर कर लें। तो नेक्स्ट डिसएडवांटेज जिसकी हम बात करेंगे वो है बिल्ड क्वालिटी। अब ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी जो है ना 550 की वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मतलब कुछ बुरा नहीं है उस क्वालिटी में, काफी अच्छी क्वालिटी है। बट द रीजन इज जो थोड़े से रफ यूजर्स हैं ना, जो थोड़ा सा ट्रैवलिंग करते हैं और जिनको बहुत ज्यादा ट्रैकिंग करना पसंद है, उनके लिए ये हेडफोन्स, या फिर जो इतना केयर नहीं करते बैग में ऐसे ही डाल देते हैं, उनके लिए हेडफोन्स थोड़े से फ्रेजाइल है। रीजन बीइंग क्योंकि इसका जो हिंज है ना, जो इसका कप से कनेक्टेड है, जो दोनों के दोनों ये ओवर ईयर कप से कनेक्टेड है, वो हिंज पूरा का पूरा प्लास्टिक का है। इनको वो जो कनेक्शन है ना वो मेटल रखना चाहिए था, पूरा का पूरा प्लास्टिक का हिंज है। तो उससे क्या होता है कि आप जैसे ही उसको हल्का सा, मतलब अगर आप ज्यादा ट्विस्ट करोगे वो टूट सकता है। तो अब अगर कोई रफ यूजर है तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा रिस्की है इसको कैरी करना। तो बिल्ड क्वालिटी भी मेरे को थोड़ा सा इशू लगा था पर्सनली मेरे लिए, क्योंकि मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ, तो मेरे को बिल्ड क्वालिटी थोड़ा सा इशू लगा था। बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है हेडफोन्स में। कंक्लूजन यही है कि 2023 में भी आप इन्हें परचेस कर सकते हो, अभी इनकी सेल भी आएगी तो आपको 1500-1700 में अवेलेबल हो जाएंगे, अभी के लिए 2000 के मिल रहे हैं। तो वेट कर लीजिए, आप इसे परचेस कर सकते हो, 2023 में भी बहुत अच्छे हेडफोन्स हैं। बट जो जो मैंने डिसएडवांटेजेस बताए, अगर आपको वो लग रहा है कि आपके साथ मतलब आपको प्रॉब्लम हो सकती है तो फिर आप मत परचेस करना। तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, एक बार अंडरस्टैंड कर सकते हैं और ध्यान से अंडरस्टैंड करके परचेस करना, ताकि आपका प्राइस जो है आप जो स्पेंड करोगे वो वैल्यू फॉर मनी हो। तो गाइस बस इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और किसी भी हेडफोन, किसी भी स्पीकर के बारे में, किसी भी एक्सेसरी के बारे में अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए कमेंट कर देना, मैं श्योरली वीडियो बनाऊंगा। तो थैंक यू गाइस, बाय बाय, मनीत कोहली साइनिंग ऑफ।